Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डगन बॉस हमें मारने के लिए लॉस सैंटोस शहर में वापस आ चुका है. डगन बॉस को मारने के लिए लेस्टर ने हमें जो प्लान बताया, भाई ये इतना ज़्यादा रिस्की और डेंजरस प्लान है कि एक बार को भाई ऐसा मन कर रहा है कि हम लोग लॉस सैंटोस छोड़ के ही भाग जाएं. मतलब लेस्टर का कहना है कि डगन बॉस को इस टाइम पर मारना एकदम इम्पॉसिबल है. तो ठीक है, फिर अभी ज़्यादा सिरदर्दी नहीं करते हैं, जैसा जैसा लेस्टर कह रहा है वैसे वैसे करते हैं. फटाफट से बाइक पे बैठते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग वापस सिटी में. और आज हम लोग जाने वाले हैं डगन बॉस के घर पे. मुझे तो ये भी नहीं पता कि डगन बॉस हमें अपने अंडर रखेगा भी या फिर नहीं. और दूसरा डर ये भी है कि कहीं वो पहचान ना जाए. अगर पहचान लिया ना उसने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें फेस का पूरा हिसाब चेंज करना पड़ेगा. बाकी ठीक है यार, देखी जाएगी. फटाफट से बाइक भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं लॉस सैंटोस अपना पुलिया बदलने. लेट्स गो गाइस. तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी बाइक लेकर टनल से बाहर निकल चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये बाइक कितनी तगड़ी है. वैसे मुझे पता नहीं कि इस बाइक की स्पीड कितनी ज्यादा है, बट कावासाकी का बाइक है तो फिर तगड़ा स्पीड तो हो गई. लेट्स गो, भगाते हैं इस बाइक को और आज जल्दी से जल्दी पहुंचते लॉस, बाइक को भगाते हुए पहुंचते लॉस सैंटोस और हाईवे पे चेक करेंगे इसकी टॉप स्पीड. ओके, तो अभी मैं अपनी बाइक लेकर मस्त हाईवे पे भी आ चुका हूं और बारी इसको थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फास्ट चलाने की, प्लस थोड़ा स्टंट वगैरह भी ट्राई करूंगा क्योंकि अभी लॉस सैंटोस बहुत दूर है. आराम से पहुंचते पहुंचते थोड़ी बहुत तो मौज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आज वैसे भी मौत के कुएं में जाने वाले हैं भाई डगन बॉस के घर पे. अगर उसने बाय चांस पहचान लिया तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है. लेकिन हाँ, टेंशन नहीं है, थोड़े बहुत वेपन्स मैं लेकर जाऊंगा और भागने का भी इंतजाम रखेंगे. पर ठीक है, जरूरी नहीं है, थोड़ा भेस वगैरह बदल कर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं पहचान जाए. ठीक है, अरे बाइक भाई मजा आ रहा है चलाने में. अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और अब मारते हैं इस बाइक पे एक वीली. ठीक है भाई, चलो भाई, तो बहुत बातें चाहती होगी, बारी एक मस्त वीली मारने की, फुल एकदम लंबी वीली करते हैं भाई. चलो लेट्स गो. ये बाइक तो भाई बनी वीली के पूरी खींच देंगे भाई इसको एक टायर पे. देख रहे हो ये क्या जा रही है भाई, और बस ठुक ना जाए क्योंकि राइट लेफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो इसको थोड़ा थोड़ा डाउन करा देते क्योंकि सही सलामत पहुंचना है. एक स्टॉपी भी मार देता है भाई लग यार. यस, स्टंट बाइक के भाई अपने एक अलग मजे. दोबारा से एक और विली भाई, लेट्स गो. ओहो भाई साहब, ये तो फुल नॉन स्टॉप विली जा रही है, रुकी नहीं रही है. एक सेकंड, स्टॉप भी मार देते भाई इसी बात पे, एक बढ़िया वाली. ये बात नहीं, अभी चुपचाप से पहुंचते हैं लॉस सैंटोस. तो भाई देखो, अभी ना सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना हुलिया बदलना. तो अभी ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, यहीं पर एक बहुत बढ़िया शॉप है सबअर्बन का. यहाँ पर बहुत टाइप के मस्त मस्त कपड़े हैं. तो फटाफट ना पहले यहाँ से कपड़े वगैरह खरीद लेते हैं, फिर चलेंगे उसके बाद सैलून में, क्योंकि बाल वगैरह भी कटवाने पड़ेंगे यार. ये वाला हेयर स्टाइल तो माइकल का ना हर कोई जानता है, तो कुछ हमें डिफरेंट करना पड़ेगा. मैं प्लान कर रहा हूँ कि ना थोड़ा बहुत गंजा ही हो जाऊंगा, वो मस्त रहेगा. फिलहाल अभी मुझे कुछ ऐसे कपड़े वगैरह देखने चाहिए, मतलब ये जैकेट्स हैं, इधर काफ़ी सारी शर्ट्स हैं, बट कुछ एकदम ही डिफरेंट ट्राई करते हैं क्योंकि माइकल हमेशा ये पहनता है. कुछ ऐसा पहनना होगा जिससे कि मैं बिल्कुल माइकल जैसा ना ही लगूँ तो बेटर है. ओके, तो काफ़ी डिफरेंट से भी मैंने कपड़े पहन लिए हैं. ऊपर ये ब्लैक सैंडो है और नीचे ये थोड़ी लाइट शेड में कैफरी. और इसकी पेमेंट वगैरह कर दिया, फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अभी बाल कटवाने. बड़ा यार जो भी है, अभी थोड़ी बहुत ना वो गैंगस्टर वाली बातचीत होती है ना, वो आना शुरू हो गई है. लेकिन हाँ, प्रॉपर लुक मुझे चेंज करनी होगी. फेस मैंने हाइड अभी कर लिया मस्त. अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पे और फटाफट से करवाते हैं अपना कुछ टैटू वैटू, सब कुछ करवाने वाला हूँ भाई आज मैं अपनी पूरी बॉडी पे. लेट्स गो गाइस. तो गाड़ी को मैं फुल स्पीड में भगाता हुआ पहुंच चुका हूँ मस्त अपनी फेवरेट बार्बर शॉप पे, जो कि अपना हेयर स्टाइल आई थिंक कुछ बढ़िया सा बना देगा, क्योंकि हर बार जब भी गुलिया चेंज करना होता है तो तुम्हारा भाई यहीं पर आता है. लेट्स गो, अभी चलते हैं जल्दी से अंदर और कुछ बढ़िया से लुक करवाते हैं अपनी, मतलब थोड़ी डिफरेंट. तो फटाफट से चलते हैं अपनी मस्त बार्बर शॉप में और इस बार ही कुछ ऐसी कटिंग करवाते हैं कि अपना फेस यार पहचान में ना आए. मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बियर्ड को फुल बढ़वा लेते हैं और ऊपर का जो हेयर स्टाइल है ना वो फुल ऐसे गंजा वाला रखना पड़ेगा. मतलब पहले क्या होता था, अभी बड़े बड़े बाल हैं तो बड़े बाल कर देते हैं नीचे और ऊपर कुछ ऐसा गंजा. नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है. ओके, तो अभी मैंने ऊपर के बाल थोड़े से छोटे करवा लिए हैं, मतलब पूरे छोटे भी करवाएंगे अगर, पहले इतने करवा के देखते हैं, अगर ठीक लगेंगे तो सही है, वरना और छोटे करवाने चाहिए शायद से. अभी भी माइकल पहचान में आ रहा है, बट सोच रहा हूँ पहले मेरी बियर्ड बढ़वा लेता हूँ. ठीक है, इतनी बियर्ड रखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है अपनी लुक. ओके, तो अभी बियर्ड भी काफ़ी कट चुकी है और अभी भी लुक यार पहचान में आ रही है, कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा. ओके, तो अभी मैंने अपने हेयर्स और भी छोटे करवा लिए हैं, मतलब गंजा नहीं हुआ हूँ बठा फूल. अभी गैंगस्टर वाली लुक आ रही है और माइकल तो नहीं पहचान में आ रहा, अगर मैं साथ में ये वाला चश्मा भी लगा लूंगा तो देख रहा हूँ.
अभी फुल कपड़े चेंज हो चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज पूरी बदल चुकी है, चलने फिरने का तरीका। बट हाँ, अब फटाफट से हम लोग निकलते हैं, थोड़े बहुत और टैटू वगैरह बनवा लेते हैं तो वो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। चलो भाई फटाफट से चलकर बैठते हैं बाइक पे और अब मैं जाने वाला हूँ मस्त टैटू शॉप पे, क्योंकि हेयर स्टाइल हो गया, कपड़े हो गए हैं, धीरे धीरे करके लुक पूरी चेंज होते जा रही है। बट अब बस पूरी बॉडी में टैटू बन जाए ना भाई, फिर तो डगन बॉस हमें बिल्कुल नहीं पहचानने वाला। तो जल्दी से पहुंचते हैं और अब करवा लेते हैं पूरी लुक चेंज। तो चलो भाई अभी मास्टर टैटू शॉप पे भी पहुंच चुके हैं। अरे आराम से भाई, ये बहुत ही खतरनाक चला था भाई ये बाइक, बट ठीक है चलते हैं अंदर। पर अभी मेरे को एकदम बढ़िया सा टैटू करवाना है कि पूरे हाथ पैर और राइट आर्म लेफ्ट आर्म दोनों एकदम मस्त पूरे कवर हो जाए। लेट्स गो। ओके तो अभी हम लोग आ चुके हैं मस्त टैटू शॉप में, देखते हैं कि किस किस टाइप के मुझे टैटू बनवाने चाहिए। वैसे हैंड पे पूरे भर जाएंगे ना टैटू, जैसे रेसलर्स के होते हैं ना, कुछ उस टाइप का ही टैटू बनवाते हैं। लेट्स गो। अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है तो मुझे पहले लेफ्ट आर्म पे चाहिए कुछ इस टाइप का चलेगा, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक दिख रहा है यार ये करवा लेते हैं। और लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट पे भी कुछ ऐसा सही करवा लेते हैं, ये ठीक लग रहा है। ऑलराइट तो अभी तुम्हारा भाई फुल रेडी है डगन बॉस के पास जाने के लिए, बढ़िया एकदम लुक हो चुके हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और निकलते हैं उसके घर के लिए। वैसे भी उसका घर ना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब वो लॉस एंड्रोस में नहीं रहता, थोड़ा सा बाहर रहता है, बट हाँ यार मतलब मस्त जगह पे उसका घर, जल्दी से पहुंच जाएंगे। लेट्स गो गाइस। अभी फिलहाल अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंचने वाला हूँ डगन बॉस के रेंज पे। बट मुझे ना अभी थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि कहीं बाय चांस वो मैं पहचान ना ले। वैसे देखो अभी दोनों हाथों पे मस्त टैटू है, पैर तक पे मैंने टैटू बनवा लिया है और एक बड़ी सी बियर्ड है, बाल एकदम पूरे गंजे हो गए हैं और आईज थोड़ी हाइड करने के लिए मैंने चश्मा लगा लिया। तो जहां तक है 100% तो नहीं पहचान पाएगा, बट हाँ एक बार को हो सकता है डाउट हो जाए, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमारे पास अपना बॉडी गार्ड है जिसको मैं लेकर अंदर नहीं जाने वाला, इसको यहीं पर बाहर उतार देते हैं क्योंकि मुझे डगन बॉस से मिलना है और मैं वेपन्स लेकर जाऊंगा तो उससे नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए इसे अपनी सेफ्टी के लिए बाहर रखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको अंदर बुला लेंगे। फिलहाल अभी मैं अकेले चलता हूँ, तो चलो अभी ज्यादा टाइम पास नहीं, फटाफट से अपनी बाइक को एंटर कराते हैं डगन बॉस के घर में। और वेट अ सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी यहाँ पर, बट दो तीन गार्ड्स लगा रखे हैं जिन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं। मैं डायरेक्ट घर में आ गया, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। डगन बॉस ने ना भाई अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स नहीं, बदमाश ज्यादा रखे हुए हैं। बाकी मेरे को ये बंदा क्यों बुला रहा है, हेलो भाई क्या हो गया। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इस बंदे से बात हो चुकी है और ये हमसे पूछ रहा था कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो देखो भाई, मैंने इसे डायरेक्ट साफ साफ बोल दिया है कि मुझे डगन बॉस के अंडर काम करना है, मैं उसके लिए कोई भी काम कर सकता हूँ, बंदे मार सकता हूँ, गाड़ियाँ चुरा सकता हूँ, सब कुछ, पर हमें उसके अंडर काम करना है। और अभी शायद से डगन बॉस से बात करने के लिए गया है। बाकी यहाँ मुझे भाई गलत फहमी थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, ऊपर छत पे देख रहे हो, इन्होंने एक बंदा स्नाइपर देकर छत पे चढ़ा रखा है एटैक्स स्कोप लगा के, कि कल को कोई डगन को दूर से भी मारने का ट्राई करे तो ये उसे यहीं से उड़ा देगा। बाकी इधर भी सिक्योरिटी है, मेन गेट पे भी, लेफ्ट साइड में भी काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। पर हाँ अभी ना मैंने अपना थोड़ा चलने का तरीका बदल लिया ताकि यहाँ पर कोई भी मुझे बिल्कुल भी ना पहचाने, मतलब शक्ल से तो दूर की बात है, मेरे चलने के तरीके से भी ना पहचाने। फिलहाल भाई ऐसा तो नहीं ना ले जाके कहीं और गुंडों से पिटवा दे, क्योंकि मामला डेंजरस हो सकता है। पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि बाहर मेरा बॉडी गार्ड है, कुछ भी मैटर हुआ गोलियां चली तो वो अंदर आएगा अपनी हेल्प करने। बाकी वेट, इसने तो हमें डायरेक्ट डगन बॉस से लाके मिलवा दिया भाई। और एक सेकंड, डगन बॉस ने भाई एक ब्लैक पैंथर पाला हुआ है जो कि भाई गोर के देख रहा है इधर ही, आई होप ये मुझे काटेगा तो नहीं, लोग कुछ खाने पीने में लगा हुआ है। बट हाँ अभी डायरेक्ट जाकर हम लोग डगन बॉस से बात कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल डगन बॉस से बात हो चुकी है और जैसे कि आपको पता है कि भाई ये बंदा कार्स का बहुत ही ज्यादा शौकीन है, तो लॉस सैंटोस में एक बहुत रिच बंदा है, उसके पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सुप्रा है जो कि ये खरीदना चाहता है, लेकिन वो बंदा बेचना नहीं चाहता और ये उससे चुरा भी नहीं सकता क्योंकि वो इसका दोस्त है और वो एक बहुत डेंजरस गैंगस्टर भी है, तो खाली पीली की दुश्मनी ना हो इसीलिए इसने हमें ये काम दिया है कि हम चुपचाप से उसके घर से वो गाड़ी चुरा कर ले आए, किसी को कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए, और फिर उसके बाद ये हमें अपने अंडर रख लेगा। मतलब यार इसने तो भी हमें एक ऐसा काम दे दिया जिस काम में हम लोग सुपर एक्सपर्ट है भाई, हमने कितनी गाड़ियां एकदम ऐसे डेंजर जगह से चुराई है, तो आज इसके लिए वाला काम करते हैं, मस्त उस गाड़ी को चुरा कर लाते हैं। और मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसको ये चुराने के पीछे एकदम पागल हो रखा है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हो या फिर कुछ तो उसमें खास होगा जो कि वो बेचना नहीं चाहता और ये इसको चाहिए ही चाहिए। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं इसके लिए वो गाड़ी चोरी करने के लिए। और सबसे क्रेजी चीज, इसने भाई उस काम के लिए हमें गन्स भी प्रोवाइड करवाई है और साथ में अपनी एक बहुत तगड़ी गाड़ी भी दी है जो कि बैक साइड में खड़ी हुई है, GMC। भाई इतनी तगड़ी और इतनी बड़ी कार है, जल्दी से चलकर बैठते हैं भाई उस गाड़ी में और हमारे साथ तो हमारा बॉडी गार्ड भी है, तो ये काम तुम्हारा भाई बहुत ही इजीली करने वाला है। हमें उस बंदे का एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल गया, जल्दी से चलकर बैठते हैं इस बड़ी वाली कार में। ये है भाई GMC की यूकॉन, मतलब इसके पास देख रहे हो कलेक्शन, दो डिफेंडर, दो जी वैगन और एक ये बड़ी GMC। लेट्स गो।
गाड़ी लेकर निकलते हैं, अपनी बाइक में यहीं पर खड़े रहने देता हूँ, वापस आकर ले जाएंगे। अभी तो ये अपने घर जैसा ही हो गया बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा अभी अपना ही घर समझ लो इसको, अपना गैंग बेस समझ लो फिलहाल। ठीक है, गाड़ी लेकर जल्दी से हम लोग चलते हैं। और वेट, मेरे को भी कॉल करके बुलाना पड़ेगा अपने बॉडीगार्ड को, पता नहीं कहाँ पर है। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैंने अपने बॉडीगार्ड को यहाँ बाहर आने के लिए बोल दिया है, वो यहीं कहीं पर छुप रखा होगा यार मेरी सेफ्टी के लिए। एक सेकंड, वो इसी घास में छुपा हुआ था। नाइस, अभी फटाफट से इसे गाड़ी में बैठाते हैं और जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पे, उस मेंशन पे जहाँ से हमें वो विंटेज कार चुरा कर लाए। लेट्स गो भाई। मैं भाई मजा आ रहा है, इतनी बड़ी कार है यार, ये देख रहे हो ये कार कम भाई बस ज्यादा लग रही है। मतलब किसी अगर नॉर्मल गाड़ी से इसका साइज कंपेयर करूँगा ना, मतलब इसका डबल जाने वाला भाई। ये देखो, अगर मैं इसके साइड में अपनी गाड़ी लगाऊँ, वेट भाई, इसके अकॉर्डिंग तो मेरी गाड़ी भाई मिनी बस से कम नहीं लग रही है। ठीक है ठीक है, बातें कम करते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं उस मेंशन। Let's go guys, so फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ उस गैंगस्टर के घर के पास जहाँ से आज मुझे सुप्रा चुरानी है। वैसे यार देखो, थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है क्योंकि डगन बॉस ने जैसा बताया था भाई वो गैंगस्टर है, तो हो सकता है उसके पास अपने तगड़े बॉडीगार्ड्स, गुंडे वगैरह उसने घर में छोड़ रखे हों, लेकिन अपने पास भी अपने बॉडीगार्ड है तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। फिलहाल यही है वो घर जहाँ से आज हमें सुप्रा चुरानी है। मेरे को तो यार बड़ा खुला खुला घर लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी है। बट एक सेकेंड, गेट पे यहाँ पे दो बॉडीगार्ड लगा रखे हैं तो मेन गेट से मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, मुझे कुछ तो करना होगा। गाड़ी को एक काम करता हूँ, किसी दूसरे या फिर बैक साइड वाले रास्ते से एंटर कराते हैं जहाँ से मतलब कुछ पता ही ना चले। मेरे पास एक आइडिया है, ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता है जो माउंटेन की दूसरी वाली साइड है वहाँ से भी इस घर में घुसने की कोई ना कोई एंट्री हो, क्योंकि इसकी वॉल मुझे यहाँ भी दिख रही है। बस अपनी गाड़ी माउंटेन पे चढ़ जाए तो मज़ा आ जाएगा। वैसे भाई GMC है, बड़ी गाड़ी है लेकिन पावर भी बहुत है भाई, लेट्स गो। इजीली जा रही है भाई पहाड़ पे, भाई ये तो नॉर्मल रास्ते से भी ज़्यादा तेज स्पीड में है माउंटेन पे। ठीक है भाई, हम लोग पहुँच गए हैं घर की बैक साइड पे, मतलब दिख रही है यहाँ से बैक साइड, हमें इसकी टेंशन नहीं है। अभी सारा ध्यान मेरा वहीं पर है कि क्या डगन अभी हमें अपने अंडर काम पर रखने वाला है या फिर नहीं। अगर देखो उसने नहीं करा, भगा दिया ना, तो भाई सच में आज ही मैं वो टैंक ले जाकर उसे उड़ा दूंगा। बट हाँ, लेस्टर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग वो हमें अपने अंडर रखेगा, उसका प्रॉपर लेफ्ट हैंड में बनना है, पूरा ट्रस्ट जीतना है, उसके बाद उसे मारना है। चलते हैं अभी उसके घर पे। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग अपनी नहीं है, ये डगन बॉस की है भाई। पता नहीं कहाँ से यार आखिर इसके पास इतना सारा पैसा आ चुका है, इतनी गाड़ियां वाड़ियां, एकदम बड़ा घर इसने ले लिया। बट हाँ, जो भी है, इसने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे वो मैं लेकर एकदम सेफली यहाँ पर पहुंच गया हूँ, और अपना जो बॉडी गार्ड है वो अंदर नहीं जाने वाला है क्योंकि डगन से मैं अकेला डील कर रहा हूँ। अगर ज्यादा बंदे घुसेंगे तो मैटर उतना ही प्रॉब्लम वाला होने वाला है। बाकी अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 1 मिलियन लाइक्स के लिए, तो आई होप आप लोग लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दोगे। बाय द वे, लेस्टर ने जो प्लानिंग करी थी डगन बॉस को मारने के लिए, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ही एकदम परफेक्ट चल रहा है, एंड हम लोग जल्दी डगन बॉस को मार डालेंगे क्योंकि वो हमारे ट्रैप में फंसता जा रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स में बताना, और चैनल पर जो लोग भी न्यू है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे भी दबा दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।